1892, 1892 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था जी। उस लड़के को पढ़ने के लिए उसके पास स्कॉलरशिप के पैसे नहीं, फीस के लिए पैसे नहीं, तो वो लड़के ने एक दोस्त को बुलाया, यार अपने कुछ आइडिया करें कि अपनी फीस भी भरी जाए। उस जमाने का पोलैंड का सबसे बड़ा जो पियानो बजाता था उसका नाम तो पेडनेविस्की, वो उसके पास गए और बोले कि यार हमारा शो करना है आपका। उसके मन में आया कि इनका शो करूंगा तो मेरी फीस भी बढ़ जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो उन्होंने सेक्रेटरी ने बोला कि भाई $2,000 आप लगेगा, बोला डन। इसने पूरी शो की पब्लिसिटी की, पर इत्तेफाक से इसके पास $1,600 ही आए। शो हो गया, पेडनोविक्सी बहुत दिलदार आदमी था, उसने शो कर लिया। शो के बाद वो उनके पास गया, बोला सर मेरे पास $1,600 हुए, मैं $400 का आपको फॉरवर्ड चेक दे देता हूँ, जब मेरे पास पैसा आएगा दे दूंगा। तो बोला प्रॉब्लम क्या है, बोले ऐसा ऐसा था। तो उसने चेक फाड़ दिया पेडनोविक्सी ने, बोला तू मौज कर यार, तू तेरे पैसे की फीस भर, मेरा शो की कोई चिंता मत कर। वो बात आ गई, खत्म हो गई। वो पेडनोविक्सी बाद में पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। वो पेडनोविक्सी बाद में पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पोलैंड की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वहाँ के जो 15 लाख लोग थे ना, वो भूखे मर रहे थे, एंड ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो उससे रहा नहीं गया, उसने UN फूड अथॉरिटी को एक लेटर लिखा। सब देश लिख रहे थे तो उसने भी लेटर लिख दिया कि भाई कैसे भी करके मेरे देश को बचाओ। इसको उम्मीद नहीं थी, 5-7 दिन के अंदर UN की बड़ी बड़ी शिप्स रिलीफ लेके आ गई और 15 लाख लोग भूखा मरने से बच गए। कितने? 15 लाख। वो भी सरप्राइज हुआ कि पूरी दुनिया के देश मांग रहे हेल्प और पोलैंड को पहले कैसे मिली। इससे रहा नहीं गया, सब काम होने के बाद वो थैंक्स देने के लिए उनके पास गया कि यार थैंक्स देने के लिए अपने जावे। जाके आया तो वो लड़का बोले सर आपने मुझे पहचाना? बोला नहीं। बोला मैं वही लड़का हूँ जिसका आपने डॉलर का पैसा नहीं लिया था। और वो कौन था मालूम है? हर्बर्ट हूवर, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, अमेरिका के। और वो कैसा आदमी था आप अंदाजा लगाइए कि उस व्यक्ति ने पोलैंड आया वो, और उसकी आगवानी में जब 25,000 लोग खड़े थे ना, तो उनका देखा कि पाँव में जूते नहीं है, तो उसने एक अपील की। और उस जमाने में 1920s में, उस जमाने में 7 लाख तो जूते और 7 लाख ओवरकोट 5 मिनट में उसको दिए गए। तो ऐसा है, तो जो भलाई है ना पलट पलट के आती है। तो आप भलाई है ना, भलाई करते रहिए, जिंदगी में भलाई आपके साथ चलने वाली है।